तो फर्स्टली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तो टॉपिक है इतिहास, जिसमें हमारा जो प्राचीन इतिहास से हम जीके स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास पहली है। इस क्लास में जो है भारत के प्राचीन इतिहास से ये आपकी क्लास शुरू हो रही है, और इस क्लास में हम आपको जो है पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे। और इस क्लास में आपको वन बाय वन क्लास जो हम डालते जाएंगे, और आपको ये जो डाटा मिलेगा, इस डाटा में वो आपने रिकॉर्ड को आपने पढ़ना है। पीडीएफ की फॉर्म में आपको साथ में ही मिल रहा है। तो हम ये जो जीके शुरू करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से, इसे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, और बढ़ाते हुए हम जो है आधुनिक भारत में भी आएंगे और विकसित भारत तक पढ़ाएंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इतिहास है, तो इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हम याद रखिएगा कि जब भी इतिहास पढ़ा जाता है तो वो किसी ना किसी घटित घटनाओं के द्वारा किसी ने उसका विवरण दिया होता है, तो वहां से हमने ये बातें उठाई हैं। तो उन पन्नों को हमने देखना है इस इतिहास में, कि बीते हुए समय को जो है मैं जो हुई बातें हैं तो वह इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक जो हैं, यानी कि फादर जो हैं, वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था, तो इस जिसमें हम ना लिख पा रहे थे, ना हम कोई किसी प्रकार की कला को हम नहीं जानते थे, ठीक है जी। तो वो इतिहास का जो समय है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने डाला है। इसी प्रकार से आद ऐतिहासिक काल, ये वो काल था जिसमें हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आती है, जिसमें हम एक किसी न किसी लिपि से तो परिचित थे, मगर वे आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, हमने उसको पढ़ नहीं पाए हैं जिस प्रकार की लिपि में उस वक्त लिखा गया था। तो उस समय को हमने, जिसको हम नहीं पढ़ पाए हैं, जिस लिपि को वो प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि हिस्ट्री पीरियड डाला है, आद ऐतिहासिक, और जिस लिपि को हम पढ़ पाए हैं, जिससे हम परिचित थे, मानव जिससे परिचित था, तो वे हमारा जो है ऐतिहासिक काल में आ जाता है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, यानी कि भारत के तीन प्रकार जो हमने बताए हैं, ये इस लिपि को पढ़ा गया है भारत की, तो उसको हमने ऐतिहासिक काल में डाला है। इतिहास जो मैंने आपको बताया कि इतिहास को जब हमने तीन भागों में बांटा है, तो पहला जो हमारा है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम किसी लिपि या कला से नहीं परिचित नहीं थे, उसमें हम किस में थे, नॉन क्या था, हमें था पाषाण काल और एक ताम्र काल। पाषाण काल को हमने तीन भागों में बांटा है, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि जिसमें हम मतलब लिपि को नहीं जानते थे, उसे हमने दो भागों में बांट दिया, पाषाण और ताम्र। जब पाषाण काल के तीन भागों में हमने बांटा है, इनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे कि इसका मतलब क्या है, पूरा का क्या मतलब है, मध्य में क्या आता है, नव में क्या जानता है। इसके बाद जब लास्ट में जो आया था काल, उसका नाम था ताम्र पाषाण काल। तो पहले हमारा हिस्टोरिक पीरियड में ही आ जाएगा कि जिससे हमें परिचित नहीं थे, उस समय को केवल हमें अवशेष मिले हैं, तो जो अवशेष मिले हैं यानी कि कुछ जो उस वक्त के जो अवशेष है, पत्थर है, खंडर है, या कोई प्रकार के हमारे पास जो हथियार है वो मिले हैं। तो हमने क्या है, उनको हमने दो भागों में बांट दिया, पाषाण काल और ताम्र पाषाण। सबसे पहले आ गया आपका पाषाण काल। पाषाण काल की
जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी भारत में और सबसे पहले कब हुई थी। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी 1863 में, 1863 में की थी उन्होंने। नंबर दो याद रखना है हमने, भारतीय पुरातत्व विभाग जैसे होता है तो पुरातत्व आपको पता है हिस्टोरिक जो भी गतिविधियां हैं, यानी कि आपकी जितने भी हमारे महल हैं या अपने औजार मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं किसी भी प्रकार के, वो पुरातत्व विभाग देखता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि में अगर मैं पाषाण काल को बोलूं तो आगे हमने तीन भागों में, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, हमने पाषाण काल को तीन भागों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसमें सबसे पहला काल आया है जो इतिहास का सबसे पहला समय था, इसे हमने एक कंसीडर करके चले हैं 20 लाख वर्ष पूर्व। यानी कि मैंने अगर आज से बात करनी हो तो मैं कोई एक समय निर्धारित करूंगा, ठीक है जी। तो मैंने लिया 20 साल पहले से लेकर 12000 ईसा पूर्व को हमने मानकर चले कि उस वक्त जो है मनुष्य जो है या मानव जो है वो आदि मानव, यानी कि आदि मानव की तरह था, ठीक है जी। जिसमें मनुष्य का जो जीवन था वो शिकार के ऊपर संग्रह है, यानी कि भोजन भोजन का संग्रह करना, वो सभी की सभी जो है जीवन जो है उसका क्या था, वो था अस्थिर था, एक जगह पर नहीं रहता था मनुष्य, वो खाने की तलाश में जो है वो इधर से उधर जो है वो भटकता रहता था, इसलिए जो है वो खाना बदोष था। क्या था वो उस समय, खाना बदोष था। और दूसरा उस वक्त यानी कि पूरा पाषाण काल में ही मनुष्य ने जो है किसकी खोज की थी, आग की खोज की, किसकी खोज की है, आग की खोज की है। और इस समय पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया जाता था शिकार करने के लिए, ये भी याद रखने वाली चीज है। और उस वक्त मनुष्य ने सर्वप्रथम हमें पता लगा कि चित्रकारी करना भी इंसान ने सीख ली थी। ये हमें भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, इन भीमबेटका की गुफाओं में हमें ये पता लगा कि मनुष्य जो है वो चित्रकला को जो है वो जानता था, मगर हम उस कला को जो है चित्रों के माध्यम से जो है वो मतलब अपनी बात भी रखता था। और कुछ जो है उन्होंने लिपियां लिखी हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसलिए ये हमने पूरा पाषाण काल में इसको डाला है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का समय जो है वो हमने 12000 से 10000 वर्ष का समय माना है, जो कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के समय को लिया है। किसके समय को लिया है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के समय को लिया है। इस काल में जो है मनुष्य ने सबसे पहले पशुओं को पालना शुरू किया, छोटे छोटे हथियार, नुकीले हथियार बनाए जो कि शिकार करना था, तो उन हथियारों को वो माइक्रोलिथ कहता था, उन हथियारों को माइक्रोलिथ कहता था। जिस प्रकार से मैंने कहा है मनुष्य ने सबसे पहले पशुओं को पालना आरंभ किया था, तो सबसे पहला जो पशु उन्होंने यानी कि जानवर जो है पाला था वो था कुत्ता, क्योंकि आपको मालूम है शिकार करने जाएगा तो व्यक्ति तो उसके साथ में जो है जो पर्सन यानी कि जो मतलब जानवर लेके जाएगा तो वो एक ही होता है, वो है कुत्ता। इसके बाद का काल आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यानी मध्य पाषाण काल के बाद आने वाले समय को नवपाषाण काल कहा गया है, जिसका समय 10000 से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में जो है मनुष्य का यानी कि मानव स्थाई जगह यानी एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था, और
कृषि पर आधारित हो चुका था, यानी कि कृषि करना उसने शुरू कर दी थी और विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया था, जैसे कि गाय वगैरह उसने पालना शुरू कर दी थी और पहिए की खोज भी मनुष्य ने जो है इसी काल में की, पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की है बच्चों। और बाद में आता है ताम्र पाषाण काल यानी कि नवपाषाण के बाद आखिरी काल यानी कि समय आया है वो आया है ताम्र पाषाण काल। इस काल में यानी कि तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है वो ताम्र पाषाण काल रखा है। उस व्यक्तियों ने यानी कि मनुष्य ने, मानव ने जो है तांबे की सहायता से जो है छोटे छोटे उपकरण बनाना शुरू कर दिए थे और उन्हीं उपकरणों से जो है हथियार भी बनाए उसने, जिससे उसने शिकार किए। तो हमने ये नोट किया या इस क्लास में आज की में ये हमने पढ़ा कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहला मनुष्य ने कौन सा जानवर पालतू बनाया था, तो आंसर बना कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तो आंसर बना तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी खेती की, तो ये क्वेश्चन जौ और गेहूं जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से मेहरगढ़ बलूचिस्तान है, तो मनुष्य ने पहली बार वहां पर जो है वो कृषि की हुई है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। बुर्जहोम कश्मीर मनुष्य ने जो है जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर गर्तवास बोलते हैं इसको, उसमें रहता था और यहाँ पर मनुष्य ने के साथ जो है कुत्ते को भी उसके साथ दफनाया हुआ है, तो उसके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो गड्ढा बनाकर यानी कि गुफाओं में आवास करता था और साथ में ही उसके साथ जो है वो कुत्ते को भी दफना दिया जाता। और चावल के साक्ष्य यानी कि प्रमाण जो है वो कोटिल हवा यानी कि उत्तर प्रदेश में मिले हुए हैं। प्रकार से जैसे मैंने लास्ट टाइम में बोला है अभी पीछे ही कि भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए पहले जो शैल चित्रों का प्रमाण जो है वो मिला है। तो मैंने बताया है कि सबसे पुरानी गुफाएं जो है भारत वर्ष की वो कौन सी है, तो भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो ये थी हमारी क्लास, जिस क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई। अब हमारा जो है अगला आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसकी सबसे पहली जानकारी जो है हमें हड़प्पा की खुदाई में मिली थी, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। ये हमें लर्न रखने वाली बात है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के किनारे पर थी और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है वो 2500 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि 1750 ईसा पूर्व तक का समय को माना जाता है। 2500 से लेकर 1750 के समय क्या माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। यह याद रखिएगा कि क्वेश्चन यह आता है पेपरों में, कौन सी सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता है, तो वो आंसर होगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है, इसकी जानकारी किसने दी थी, जानकारी इसकी किसने दी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सबसे पहले 1826 में दी गई थी चार्ल्स मैसेन ने के द्वारा दी गई थी। अब हम बात करते हैं 1921 में जो है तत्कालीन
पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के लिए जो है महानिर्देशक थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल थे, तो उन्होंने राय बहादुर साहनी के द्वारा जो है वो खोजा गया है हड़प्पा सभ्यता को। कई बार आपके एग्जाम्स में कम्पिटिटिव पूछा भी जाता है, ये कम्पिटिटिव के इतिहास इतिहास से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर सीमा जो है मांडा बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम में सुतकार गेट डोर है बलूचिस्तान के पास, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और पूर्वी सीमा जो है अलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश है, यहां तक ये फैली हुई थी। और ये सभ्यता किस आकार की थी, तो ये त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर सभ्यता थी। इस सभ्यता का सामाजिक अगर जीवन की बात करें तो इसका स्वरूप जो है वो मात्र सत्तात्मक था, और सिंधु सभ्यता जो है वो चार भागों में बांटी गई थी। पहला भाग विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी या शिल्पी वर्ग, और चौथा श्रमिक यानी कि लेबर वाले, यानी कि जो भी व्यक्ति थे वो अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटे हुए थे। भोजन की बात करें तो सभी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के लोग जो हैं वो रहते थे। श्वसन प्रणाली की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का तीन प्रकार से शवाधान, मतलब आपको पता ना शवों को ठिकाने लगाने के लिए बोलते हैं शवाधान, तो अंतिम संस्कार करते थे। तो पूर्ण शवाधान यानी कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा को पूर्ण शवाधान कहा जाता है। आंशिक शवाधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते हैं तो हड्डियों को दफना देना, इसको आंशिक शवाधान कहते हैं। और दाह संस्कार, जैसे कि सभ्यता में दाह संस्कार बोला जाता है, तो मृतकों को जलाने की परंपरा को जो है दाह संस्कार कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दाह संस्कार क्यों कहा जाता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये मिला है या निकला है वर्ड, ये हमें ये ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। तो ये नगर नियोजन की अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता के नगर जो है विश्व के प्राचीन सुसंयोजित होना था, यहाँ पे नगर है यानी कि प्रॉपरली थे, जैसे चंडीगढ़ है ऐसे प्रॉपरली बने हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो मकान बने हैं वो पक्की ईंटों के बने हैं। देखिए इतने साल पहले ही पक्की ईंटों से जो है वो मकान बनना शुरू हो गए थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो मकान के दरवाजे होते थे वे मुख्य सड़क तरफ न खोलकर वो पीछे की ओर गली की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे, जैसे कि मकान में आंगन, सोई घर, स्नान घर, कुएं, और बड़े कुछ बड़े घरों में शौचालय भी बनाए हैं, तो उसके भी साक्ष्य मिले। वहां की अगर हम नालियों की बात करें तो वो नालियां भी प्रॉपरली संगठित थी, यानी कि की हुई थी, प्रॉपरली बनी हुई थी। हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की, ये रावी नदी के तट पर है।
वर्तमान में इस वक्त की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहां पर है, तो पाकिस्तान में ये स्थित है। और यहां से हमें कुछ जो वस्तुएं मिली हैं वो मिली है श्रमिक यानी कि लेबरों का, जो वहां पे थे उनके आवास, अनागार, लकड़ी के ताबूत और कब्रिस्तान, ये यहां से प्राप्त हुए। मोहन जोदड़ो की बात करते हैं, प्रमुख स्थल चल रहे हैं अभी सिंधु सभ्यता के, मोहन जोदड़ो सभ्यता का उल्लेखन 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता इस वक्त कहां पर है, तो सिंध प्रांत है लरकाना पाकिस्तान में, सिंध प्रांत है लरकाना पाकिस्तान में। और मोहन जोदड़ो का अर्थ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या है, तो आंसर होगा मृतकों का टीला। आंसर क्या होगा बेटा? मृतकों का टीला। यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि पुरोहित का आवास, अनागार, विशाल स्नानागृह, घर में कुआं, आदि शिव की मूर्ति और कांसे से बनी नृत्यकी की मूर्ति यानी कि डांस करती हुई मूर्ति, और सबसे चौड़ी सड़क या सड़क। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रमुख स्थल है चनहुद्रो, इसकी खोज किसने की है? गोपाल मजुमदार ने की है। और वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पर ही यानी कि पाकिस्तान में ही है। ये एक ऐसा शहर देखा गया जो कि दुर्ग रहित है यानी कि नहीं, और ये एक औद्योगिक शहर भी है। यहां से हमें जो प्राप्त वस्तुएं हैं उसमें स्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्लियां, बिल्ली के पैर भी, पैरों के निशान जो है वो प्राप्त हुए। रोपड़ की बात करते हैं, रोपड़ भी सिंधु घाटी का प्रमुख स्थल था, जिसकी जो खुदाई की खोज है यज्ञ दत्त शर्मा ने की है। वर्तमान में ये पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। आपको पता है रोपड़ पंजाब में है, जो कि हिंदुस्तान की बात हो रही है। यहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, और नपाषाण काल में भी ऐसे ही शर्म हमें बुर्ज होम में मिले थे, ये भी याद रखिएगा। काली बंगा ये भी एक घाटी सभ्यता का स्थल है, इसकी खुदाई बी के थापड़ ने और बी बी लाल ने की थी। वर्तमान में ये राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। काली बंगा का अर्थ क्या है? तो काली मिट्टी की चूड़ियां है, याद रखिएगा। काली बंगा का अर्थ क्या है कई बार पूछा जाता है, काली मिट्टी की चूड़ियां है, ये चूड़ी है। यहां से हमें जो वस्तुएं मिली हैं कालीबंगा से, राजस्थान से घग्गर नदी के किनारे पर है, तो हल से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, अलंकृत यानी कि डिजाइंड ईंटें मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं और चूड़ी मिली है। इसी प्रकार से धोलावीरा भी एक प्रमुख स्थल है, इसकी खोज रविंदर सिंह विशिष्ट ने की थी, और यहाँ पे हमें सिर्फ स्टेडियम प्राप्त हुआ है। प्रकार से तुरकोटदा है, इसकी जो खोज है वो जगतपति जोशी ने करवाई थी। वर्तमान में ये गुजरात में है। यहाँ पे हमें घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई। प्रमुख स्थल लोथल भी बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी प्रमुख स्थल था लोथल, जिसकी खोज एस आर राव ने भोगवा नदी के किनारे यानी कि अहमदाबाद गुजरात में है, ये वहां पर इन्होंने खोजा है इसको। वहां से हमें सिंधु सभ्यता के बंदरगाह
अवशेष मिले हैं और घर के दरवाजे सड़कों की ओर भी मिलते हुए देखे गए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छूट भी जाते हैं वो भी हमने बनाए हैं, जैसे कि सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैदव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जो कि दाएं से बाएं और लिखी जाती और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सैदववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा जिसका अर्थ सैदव वासियों की उपज था। सिंडोन का क्या अर्थ है, किसने नाम रखा है, ये याद रखने वाला। इस सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन भी करते थे, परंतु मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार ही था। सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता के लोग जो है माप तोल से भी परिचित थे, क्योंकि ये सभी के सभी व्यापारी थे ज्यादातर, तो फिर माप तोल तो इनको पता ही होगा। इस सभ्यता की मोहरे यानी कि स्टेप्स भी हैं, तेल खड़ी का इस्तेमाल करके इनका प्रयोग किया जाता था। सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन भी, इससे किस धातु से मतलब परिचित नहीं थे, तो लोहा आंसर आएगा। इस सभ्यता की मोहरों पर लगभग सभी जानवरों के चित्र जो थे वो अंकित थे, शेर के चित्र जो है वो नहीं मिला है, कई बार पूछा है इसलिए हमने नोटिफाई किया है शेर के लिए। सभ्यता के मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था, जिनसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का उपयोग होता था, तो होता था आपके लाल रंग। ये थी आज की क्लास आपकी, जो कि जुड़ी थी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।